हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि फलन x बटे 1 प्लस एक्स टेन एक्स का मान x बराबर कॉस एक्स पर उच्छिष्ट है। तो हम दिए गए फलन को y के बराबर मान लेते हैं, अर्थात हमने माना y बराबर है x बटा 1 प्लस एक्स इंटू टेन एक्स। जो दिया गया फलन है उसको हमने y के बराबर मान लिया। अब यहां यदि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो हमें 1 प्लस एक्स एन एक्स का होल स्क्वायर ये हमें हर में मिलता है। तो हम वाई के स्थान पर 1 बटा वाई का अधिकतम या न्यूनतम करेंगे। तो यहां हम मान लेते हैं कि वाई का अधिकतम मान होगा यदि 1 बटा वाई का मान न्यूनतम हो। हमने मान लिया कि y का मान अधिकतम होगा यदि 1 बटा y का मान न्यूनतम हो। ये 1 बटा y हम यहां किस लिए लाए हैं, ताकि हमें हर में 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर ना मिले। इसलिए हमने 1 बटा y का न्यूनतम या अधिकतम मान पर विचार किया है। अब 1 बटा y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा y हो जाएगा 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटा एक्स। यहां वाई बराबर है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स। तो 1 बटा वाई का मान ये अंश जो है वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स टेन एक्स, हर अब बन जाएगा एक्स। एक में जब एक्स का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1 बटा एक्स, और एक्स टेन एक्स में जब एक्स का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा टेन एक्स। और हम इसे जेड के बराबर मान लेते हैं। माना जेड बराबर है जो 1 बटा वाई है उसको हमने z के बराबर मान लिया। अब हम डी जेड बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स का तो हो गया -1 बटा एक्स स्क्वायर, और टेन एक्स का हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो डी जेड बाई डी एक्स -1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। अब z के चरम मान के लिए स्पष्ट है डी जेड बाई डी एक्स को हमें 0 के बराबर करना है। तो z के चरम मान के लिए डी जेड बाई डी एक्स बराबर 0, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, और इसके लिए चरम मान के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए डी जेड बाई डी एक्स को हम 0 के बराबर कर देते हैं। अर्थात जो -1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स हमें मिला है ये मान 0 के बराबर हो। तो -1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 0। पक्षांतरण किया और क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसलिए मान क्या हो गया, इसलिए मान हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अर्थात एक्स का मान क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया कॉस एक्स। एक्स का मान कॉस एक्स है, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया तो एक्स का मान हमें मिलता है कॉस एक्स। अब हम डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अर्थात हम जो डी जेड बाई डी एक्स है इसका हम पुनः अवकलन करते हैं, ताकि यदि ये मान धनात्मक होगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जेड का मान निम्निष्ट होगा जबकि एक्स बराबर कॉस एक्स है। जेड का मान निम्निष्ट होने पर हमारा क्या होगा, वाई का मान अधिकतम होगा। तो डी जेड बाई डी एक्स जो हमने यहां प्राप्त कर रखा है इसका हम पुनः अवकलन करते हैं, और हम क्या पाते हैं कि डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर का मान हो गया -1 बटा एक्स स्क्वायर का तो हो गया प्लस का 2 बटा एक्स क्यूब, प्लस जो सेक स्क्वायर एक्स है इसका क्या हो जाएगा 2 sec x। सेक एक्स का पुनः हमें अवकलन करना है चेन रूल के हिसाब से, तो चेन रूल के हिसाब से सेक एक्स का हो गया सेक एक्स टेन एक्स, अर्थात प्लस का 2 बटे एक्स क्यूब प्लस 2 sec x इंटू सेक एक्स टेन एक्स। ये हमें मिला, सरल किया इस मान को, तो सरल करने से हमें मिलता है 2 बटा एक्स क्यूब प्लस 2 sec² x इंटू टेन एक्स। और स्पष्ट है कि ये मान 0 से बड़ा है, दोनों संख्याएं धनात्मक हमें मिल रही हैं, अर्थात ये मान हमें धनात्मक मिलेगा। तो
डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एक धनात्मक संख्या हमें मिलती है, ग्रेटर देन जीरो मिलता है। तो डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर के जीरो होने से स्पष्ट है कि जेड का मान यहां न्यूनतम होगा, निम्निष्ट होगा, जबकि एक्स बराबर है कॉस एक्स। तो जेड का मान निम्निष्ट है जबकि एक्स बराबर हो गया कॉस एक्स। अब जेड हमने किसको माना है, हमने जेड माना है देखो एक बटा वाई को। यहां जेड हमने किसको माना है, जेड हमने माना है एक बटा वाई को। तो वाई का उच्चिष्ट मान कब होगा, जबकि एक्स बराबर है कॉस एक्स। और यही हमें यहां सिद्ध करना है कि दिया गया फलन जिसे हमने वाई माना है उसका मान उच्चिष्ट होगा जबकि एक्स बराबर कॉस एक्स है।